क्या होता है जांडिस, जाने लक्षण और बचाव। बच्चों में पीलिया होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े इस बीमारी की चपेट में आ जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। इसे ठीक होने में भी लंबा वक्त लग जाता है। यह जाने इसके बारे में जानकारी ज़रूरी बात है। पीलिया में त्वचा पीली पड़ जाती है, ठीक है, और आंखें सफ़ेद होने लगती, जो हमारी आंखें होती हैं वो सफ़ेद होने लगती है। नवजात बच्चे अक्सर पीलिया की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर शरीर पीला पड़ रहा है या ये तो ये पीलिया का लक्षण हो सकता है। पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है, हम लोग पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। हालांकि बच्चों में पीलिया होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, अगर बड़े इस बीमारी की चपेट में आ जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। इसे ठीक होने में भी लंबा वक्त लग जाता है। अगर कोई बड़ा आदमी इस परेशानी में आ जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है इसको सही होने में। ये क्यों होता है आखिर जॉन्डिस? जब शरीर में हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक RBC एक तैंत्राल यानी 120 दिन में टूटते हैं, ठीक है, तो बिलीरुबिन नामक का एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ये पदार्थ पहले लीवर में जाता है और फिर धीरे धीरे मलमूत्र के साथ शरीर से निकल जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों से पहले टूट जाते हैं तो लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब वो अधिक हो जाती है इससे पीलिया होता है, ठीक है, मतलब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से तो क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। अब हम चलते हैं लक्षण, स्किन का पीला पड़ना। स्किन जब भी पीला पड़ने लगे तो समझ जाना जॉन्डिस है। आँखों का सफ़ेद होना, पेशाब का रंग गहरा पीला होना, रंग सामान्य ना होना, बुखार, पेट में दर्द, बदन में खुजली और वजन कम होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण परेशान करे तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें और जॉन्डिस का टेस्ट करवाएं। अब चलते अपन बचाव की ओर। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है? बचने का सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण, क्योंकि पीलिया में लीवर पर असर पड़ता है, हमारे लीवर पर असर पड़ता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। खुले में रखे खाने, खास तौर पर स्ट्रीट फूड और गंदे पानी की सेवन से जॉन्डिस का खतरा रहता है, इसलिए इससे बचे। ताज़ा खाना खाएं और उबला हुआ पानी पिए। धन्यवाद।